आईसीएमआर ने 12 कंपनियों को अप्रूव किया था और रैपिड टेस्टिंग किट सप्लाई करने के लिए। पिछले एक हफ्ता पहले हम लोगों ने 2 लाख रैपिड टेस्टिंग किट का ऑर्डर दिया था। पहली खेप 10,000 रैपिड टेस्टिंग किट की हमारे यहाँ पहुंची। कल ही 5 बजे हमने इसको प्रायोगिक तौर पर टेस्टिंग का काम किया। जितने लोगों को हमने टेस्ट किया वो सारे सारे नेगेटिव आए। एक्चुअल में ये परफेक्ट टेस्ट नहीं है, ये एंटीबॉडी टेस्ट है। सिम्टोमेटिक केसेस का पता चल जाता है। जहां कहीं ज्यादा मात्रा में संभावना रहती है कि यहां स्प्रेड हो सकता है, वहां इस टेस्ट का उपयोग है। और जिन जिन इलाकों में ज्यादा स्प्रेड हुआ है, उन इलाकों में रैंडम सैंपलिंग करने का काम रैपिड टेस्ट किट के माध्यम से किया जा रहा है, ताकि जो लोग सिम्टोमेटिक केसेस के रूप में सामने आए, उनका आरटीपीसीआर टेस्ट, जो कि फाइनल टेस्ट होता है, वो टेस्ट हम करा पाए और इस बीमारी पर अंकुश पाया जा सके। मुख्यमंत्री जी ने कल 4 घंटे राजस्थान के तमाम जिला कलेक्टर्स के साथ और अन्य अधिकारियों के साथ, और यहाँ पे सरकार के जो प्रमुख शासन सचिव हैं या हमारे सेक्रेटरीज हैं और 10-15 हमारे जो मंत्री हैं, सबकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। और उसका मतलब सिर्फ यही था कि राजस्थान में ये जो अवसर है, इसमें जो संसाधन हम लोग झोंक रहे हैं, परमानेंट रूप में राजस्थान में हेल्थ सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत हो जाए, हर जिले में जांच की सुविधा हो जाए, ताकि आने वाली चुनौती को हम बेहतर तरीके से निमट सकते हैं। ये तो चुनौतियां आती रहती है, कभी स्वाइन फ्लू के रूप में आएगी, कभी जीका वायरस के रूप में आएगी, कभी स्क्रब टाइपस के रूप में आएगी, कभी मलेरिया के रूप में आएगी, अलग अलग रूप में आती ही है ये बीमारी। लेकिन इस मौके पर राजस्थान में चाहे हमारे डिलीवरी पॉइंट्स हैं, चाहे हमारे प्राथमिक चिकित्सा केंद्र हैं, चाहे हमारे सब सेंटर्स हैं, सीएचसी है, सब डिविजनल हॉस्पिटल है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, या मेडिकल कॉलेज है, मैंने कहा है कल मुख्यमंत्री जी के डायरेक्शन पे सारे जिला कलेक्टर्स को, 10 दिन में आप पूरे अपने जिले में जितने भी सीएमएचओज हैं, जेडी हैं, या जहां मेडिकल कॉलेज है वहां के प्रिंसिपल्स को बुला के इंफ्रास्ट्रक्चर को किस रूप में मजबूत किया जा सकता है उसका आप खाका बना के हमको दीजिए, ताकि उसी लाइन पे हम काम करें। तो पर्याप्त वेंटिलेटर हो, पर्याप्त आईसीयू हो, पर्याप्त बेड्स की व्यवस्था हो, हीमोडायलिसिस की व्यवस्था हो, एक्सरे की लेटेस्ट मशीनें हो, सोनोग्राफी की व्यवस्था हो, पैथोलॉजी की लेबोरेटरीज को हम स्ट्रेंथन करें, कोई चीज के लिए रेफर करने की जरूरत नहीं पड़े, राजस्थान का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत बने, इस बात के डायरेक्शन मुख्यमंत्री जी के द्वारा हमने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दिए। और मुझे उम्मीद है कि 10 दिन में जो सुझाव आएंगे, चाहे हमारा एसडीआरएफ का पैसा है, चाहे हमारे विधायक कोष का पैसा है, या राज्य सरकार और मुख्यमंत्री सहायता कोष से, किसी भी रूप में जो भी बजट हम खर्च करें इस वक्त, वो आने वाली जरूरतों को पूरा करने के दृष्टिकोण से, राजस्थान हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के दृष्टिकोण से पूरी कंट्री में नंबर एक बने, इस पे जोर दिया जा रहा है। ये महामारी से तो मुकाबला कर ही रहे, प्रदेश को बचाएंगे, ये हमारा संकल्प है। और एक व्यक्ति को भूखा नहीं सोने देके बचाएंगे। किसानों की समस्याओं का समाधान होगा, उनके प्रोक्योरमेंट का काम शुरू हो गया है, और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है या हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, जो लॉकडाउन के कानून की या हमारी जो गाइडलाइन है सोशल डिस्टेंसिंग की, उसको मेंटेन करते हुए, चाहे माइनिंग एक्टिविटी है, तो लोगों को रोजगार भी मिले, नरेगा भी चले, सोशल डिस्टेंसिंग के आधार पर चले, ताकि कोई भूखा नहीं रहे, राज्य की इकोनॉमी भी पटरी पर रहे। हालांकि थोड़ा जो है सख्ती और दिखानी होगी। देखिए, ये जो पुलिस के जवान है या मेडिकल डिपार्टमेंट के हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ है या पैरामेडिकल स्टाफ है या हमारा प्रशासन है, ये किसकी जान बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हो? आम आदमी की जिंदगी बचाना चाह रहे हैं, और हम ये मूर्खता कर रहे हैं कि हम उन्हीं के ऊपर अटैक कर रहे हैं। हालांकि राजस्थान में ये घटनाएं इक्की दुक्की को छोड़ के हुई नहीं है, ज्यादा घटनाएं तो उत्तर प्रदेश में हो रही है, लेकिन ये ठीक नहीं है। हम लोग उनको कोरोना वॉरियर्स के रूप में सम्मान दें, वो लोग अपने घरों से दूर बैठ के आपकी हिफाजत करने का काम कर रहे हैं, खुद की जान को जोखिम में डाल के काम कर रहे हैं, तो उनके साथ तो हमारा सम्मानजनक व्यवहार होना ही चाहिए। भाई अगर
भारत सरकार ने कहा कि जो है जहां है वहीं रहे। हमारे राज्य के तो भारी संख्या में लोग, चाहे नॉर्थ ईस्ट में, बंगाल में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, इन राज्यों में, राजस्थान के प्रवासी, राजस्थान तो भारी संख्या में अपने प्रदेश में आना चाहते हैं, उनको रोक रखा है वहां उनकी सरकारों ने। अब उत्तर प्रदेश के लोगों को परमिट किया है, कोटा के जो स्टूडेंट्स थे उनको लाने के लिए 250 बसें उन्होंने भेज भी दिया। अब दूसरे बच्चों में इसका मैसेज तो गलत जाता है कि हम तो बिहार के मुख्यमंत्री जी तैयार नहीं लेने को। ये अगर भारत सरकार को करना है तो सबके लिए बराबर कर दो, आप मजदूरों के लिए भी कर दो, क्योंकि एक बार आदमी घर पहुंच जाएगा तो उसको तसल्ली आ जाएगी कि मैं मेरे घर आ गया हूं। तो इसमें एक कॉमन पॉलिसी बनानी पड़ेगी पूरे देश के लिए।